पितृसत्ता शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानती है? जी, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी मिला कि पितृसत्ता यानी कि पुरुष प्रधान देश है, जिसमें महिला और पुरुष जिसको दोनों समान मिलना चाहिए हिस्सा, और नहीं मिल पा रहा है। मतलब हर काम को स्त्री ही करती है, फिर भी पुरुष को हर निर्णय लेना पड़ता है और स्त्री को दबाव में रहना पड़ता है। आपने इस डिस्कर्स क्लब का हिस्सा क्यों बन रही है, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस डिस्कर्स मतलब इसमें हिस्सा इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि जो पिछड़ा है लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, और बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसके अनुसार हम लोग उन लोग को शिक्षा देना चाहते हैं कि हर लोग अपने बेटी को पढ़ाए और तथा उनके उम्र के पहले शादी ना करें। हाँ सोनम, आज के बैठक में जो शामिल आप हुई थी, इसमें आपको चर्चा में जो विषय का चर्चा हुआ उसमें आपको कैसा लगा? आज के जो बैठक हुआ मतलब समाज हमको ये बैठक अच्छा लगा, फिर भी जो वीडियो हम लोग देखे वो हमको अच्छा नहीं लगा, जिसमें सिर्फ लड़की लोग का शोषण हो रहा है, सिर्फ घर के काम काज को ही करवाया जा रहा है और लड़का लोग को अच्छा स्कूल में दाखिला करवाया जा रहा है। तो कौन ऐसा जो बात है जो एहसास आपको पहली बार हुआ है, जो आपने आज से पहले इस विषय में कभी सोचा ही नहीं था? देखिए, हम मतलब ये एहसास हो रहा है कि एक पढ़ी लिखी लड़की होकर भी हम क्या समाज के दबाव के कारण घर पे बैठे हुए हैं। सोलह में बहुत सारा बदलाव है, जो लेडीज लोग अपने पति का नाम भी रख रही है और एक साथ एक गुट बना करके अच्छे से अपने में वार्तालाप भी कर सकती है। क्या आप भी तो जैसे कि बच्चों को छोटे छोटे पढ़ाने के लिए जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, क्या आप भी अकेले भी जाती होगी? जी, अकेले जाते हैं। पहले तो आप अकेले नहीं जाती थी, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है लड़कियां सब, तो उसी में मम्मी पापा छूटती है कि सब लोग बढ़ रहे हैं, शायद तुम भी कर सकती हो कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ये पितृसत्ता को नास्ते नाबूद किया जा सकता है, हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? ये पितृसत्ता को मतलब एक बार तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम समाज यानी कि सब लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर ख़त्म होगा।